वर्षा एंड योजिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021 बोथ फॉर आईसीएसई एंड आईएससी इज इट गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन और इज इट गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑफलाइन, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, मोर वरीड अबाउट द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, इन विच मोड द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन और वेदर इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑफलाइन, रादर देन फोकसिंग ऑन योर स्टडीज एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि काफ़ी सारा फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है यूट्यूब पर और भी कितने सारे ऐसे फेक वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि आईसीएसई एंड आईएससी 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा। तो ये सारा चीज़ जितना भी फेक न्यूज़ है इस पर स्प्रेड हो रहा है, जो भी आप इस पर बिलीव मत करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको फोकस करना है स्टडीज़ पे और बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन कंडक्ट करवाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हम सारी चीज़ को लेकर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और बोर्ड एग्जामिनेशंस इसके पीछे कुछ रीजंस है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस क्यों ऑनलाइन कंडक्ट नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बोर्ड एग्जामिनेशंस, अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि पैंडमिक की वजह से आपका एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाएगा, लेट मी टेल यू दैट देर इज नो पॉइंट सेइंग दैट द एग्जामिनेशंस दिस ईयर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ जीरो ईयर और एग्जामिनेशंस नहीं होगा, ये सब कुछ फेक है। बोर्ड एग्जामिनेशंस डेफिनेटली कंडक्ट होगा। सो बोर्ड एग्जामिनेशंस डेफिनेटली कंडक्ट होगा 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप आईसीएसई स्टूडेंट हो, सीबीएसई स्टूडेंट हो या फिर आईएससी स्टूडेंट हो, सभी के लिए कंडक्ट होगा। और इसके साथ साथ कई सारा फेक न्यूज स्प्रेड हो रहा है यूट्यूब पर और भी फेक वेबसाइट्स पे कि बेसिकली इन वन ऑफ द मीटिंग्स, इन वन ऑफ द डिस्कशंस, गैरी अराथन सर हैज सेड दैट बोर्ड एग्जामिनेशंस इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड दिस टाइम ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन एंड वॉट नॉट, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर बींग स्प्रेड। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी डिस्कशन होता है, तो आपको बेसिकली उसका अगर कुछ भी डिसाइड होता है ऐसा, तो आपको सीआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाता है, आपको पता चल जाता है, सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पता चल जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन। और ये जो भी ऑनलाइन मोड में अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गया, ये बेसिकली ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो सकता है। काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर कि ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहा है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकता है, कुछ स्कूल में ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन ये प्री बोर्ड तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, जैसे कि आप सभी को पता है दैट इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। एंड अगर ये ऑनलाइन कंडक्ट होता है तो डेफिनेटली आप घर पर बैठकर तो एग्जाम्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे में चीटिंग्स डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, 100% चीटिंग इज पॉसिबल। एंड सिंस इट इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन और अगर ऐसे कंडक्ट होता है, तो फिर ये नॉर्मल एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और ये बोर्ड एग्जामिनेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिविंग दिस टू डिफरेंट एग्जामिनेशन? देयर इज नो पॉइंट गिविंग एग्जामिनेशन इन सच अ वे, राइट? उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेंटर पर, जो भी आपका सेंटर होता है वहां पर, और काफी सारे ऐसा आईसीएसई स्कूल्स है बेसिकली जहां पर कि आपका सेंटर क्या होता है, आपका स्कूल ही होता है। तो मैंने भी जब बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10 का दिया था, तो उस टाइम हमारा स्कूल सेंटर था हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट होता है, तो फर्स्टली आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, ये दूसरा ऑप्शन है। घर पर एग्जामिनेशंस घर से देना, दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप स्कूल में सेंटर पे जाओगे या फिर आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, चाहे वो आपका स्कूल हो या फिर कोई डिफरेंट स्कूल हो, आप वहाँ पर जाओगे। उसके बाद वहाँ पर आपको कंप्यूटर्स चाहिए जहाँ पर कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, तो उसके लिए देर आर ओवर 3 लाख to 4 लाख स्टूडेंट्स हु अपियर फॉर द एग्जामिनेशन बोथ फॉर आईसीएसई एंड आईएससी कॉम्बाइन करके। तो 3 to 4 लाख स्टूडेंट्स है बेसिकली, अराउंड 5 लाख स्टूडेंट हो सकता है ओवरऑल। तो इतना सारा स्टूडेंट्स है, उसके लिए इतना सारा कंप्यूटर्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइमिंग रहता है एग्जामिनेशंस का, और डेफिनेटली नेशनल लेवल का एग्जामिनेशंस है, उतना सारा वास्ट कैपेबिलिटी नहीं है सारे स्कूल्स को। तो काफ़ी दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली 50% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल दे डोंट हैव एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आप सोचो कि बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है वो 50% स्टूडेंट के पास एक्सेस नहीं है, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट होगा? तो बेसिकली दीज आर फ्यू ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। एंड डेफिनेटली एग्जामिनेशंस ऑनलाइन कंडक्ट करवाना, चाहे वो आईसीएसई या फिर आईएससी या फिर सीबीएसई एग्जामिनेशंस हो, दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। और अगर हम बात करें ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन में भी अभी आप देख सकते हो कि पैंडेमिक सिचुएशन है, अभी क्या होगा किसी को नहीं पता आगे, लेकिन जो भी होगा ऑफलाइन मोड में कुछ स्कीम ऐसा यूज हो सकता है ऑफलाइन मोड में, तो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो सकता है ऑफलाइन, कुछ स्कीम लगाकर कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस होगा, कुछ वेरिएशंस होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। पहले जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था ऑफलाइन मोड में, इट वॉज सो सिंपल, बट दिस टाइम देर मे बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, देर मे बी सर्टेन
कुछ चेंजेस हो सकता है, डेफिनेटली ऑफलाइन मोड में कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएगा या फिर स्विच हो जाएगा, तो ऐसा तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्या होता है. लेकिन अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस मत करो इस पर कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा. डोंट वरी अबाउट दिस, रादर फोकस इन योर स्टडीज. बहुत ही लिमिटेड टाइम है हमारे पास और उसी के अंदर हमें सारा चीज़ को कंप्लीट करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है. सिलेबस अभी तक फर्दर रिड्यूस्ड के बाद जो भी लेटेस्ट सिलेबस है CISE का फॉलो करो, उसके साथ आप प्रिपरेशन करो. डोंट वरी अबाउट रिडक्शन होगा नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस, रादर फोकस इन योर स्टडीज. हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है एंड विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ओनली वी नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग, ऑल द 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट वी हैव. सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. और उसके साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन स्टार्ट करना. सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू.